खिला हुआ है ये ये पूरा नेचुरली खिला हुआ है इसको हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे अब हाँ ऐसे करेंगे बस बस हो गया हाँ ये बीज है हाँ ये बीज है इसको बड़ेमा बोलते हैं हम कॉटन सीड बोलते हैं इसके अंदर ही तेल रहता है ऑयल बोलते हैं इसको ये ये जो इसका बड है इसको फुट बोलते हैं हम है। पंजाबी में ये बारिश की वजह से खराब हो गया पूरे का पूरा सीड बिजनेस है वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दिया है सरकार को इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है तो अभी सभी तो धुंधला नजर आ रहा है जी इसका पूरा खतरे में है। व्हाइट गोल्ड को ब्लैक गोल्ड हो सकता है हाँ ब्लैक गोल्ड नहीं ये तो पूरा रेयर गोल्ड हो जाएगा नरमा आशाओं का सफेद तेल दोस्तों जिन्होंने ये किताब लिखी है आज उनके पास सीधा हम आ गए हैं पंजाब में मटिंडा में आज हमारे साथ प्रगत सिंह हैं और उनकी खुद की फसल है यहाँ पे कॉटन की कॉटन के ऊपर इन्होंने कई सारा अभ्यास किया है रिसर्च किया है जो कि इस बुक में लिखा है ये बुक पंजाबी में भी है हिंदी में भी है मैंने हिंदी में उसमें पढ़ लिया है एक अनुभव है किसान का जो कि किताब में एक ऐसा लिखित किया है कि वो फार्मर को आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें फसल में क्या करना है कोई टेक्निकल ज्यादा उसमें नहीं है नहीं, कोई दिक्कत नहीं।, नहीं।, नहीं आती है बहुत इजीली भाषा में लिखा है बहुत ही बढ़िया बुक है दोस्तों तो प्रगत जी सबसे पहले नमस्कार आपका। नमस्कार जी नमस्कार और बधाई आपको बुक 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 के लिए बहुत 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 अच्छी और बुक है। आपका भी धन्यवाद आपकी टीम हमारे यहां, इतनी दूर ये सफर तय करके अब हमारे खेत में आई है दोस्तों ये जो कॉटन है ना कॉटन इसकी बुआई कैसे होती है इसकी कटाई कैसे होती है मार्केट तक कैसे जाता है और पंजाब में इसका क्या हाल है अभी और हमने महाराष्ट्र में भी इसके बारे में एक वीडियो किया था तो देखते हैं अभी इसके बारे में जानकारी लेते हैं तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब पहले जरूर कीजिएगा तो प्रगत जी सबसे पहले हमें ये बताए कि पंजाब में कहाँ कहाँ होता है या भारत में कहाँ कहाँ कॉटन की फसल ली जाती है भारत में लगभग चौदह स्टेट्स में इसकी खेती होती है लेकिन अब खेती कम हो रही है धीरे ब धीरे क्योंकि कॉटन के ऊपर काफ़ी खतरे मंडरा रहे हैं पहले इल्लियों का था बाद में वाइट फ्लाई का आ गया अब फंगस का और इली का दोनों का चल रहा है वाइट फ्लाई कोई जहाँ कोई इसके रस चूसरे कीड़े इतना कोई ज्यादा हमला नहीं करते हैं लेकिन पंजाब में लगभग पंद्रह परसेंट एरिया इस क्रॉप का था लेकिन अभी धीरे धीरे कम हो रहा है पहले सात डिस्ट्रिक्ट में होता था अभी तीन डिस्ट्रिक्ट में होता है वो भी पूरा नहीं होता है शिफ्टों में होता है अच्छा हाँ जी तो ये जो कॉटन की फसल है इसके लिए क्लाइमेट और सॉइल कैसे चाहिए हाँ सोयल कैसा भी चल जाएगा लेकिन वेल ड्रेन होना चाहिए इसमें पानी ज्यादा रुकना नहीं चाहिए क्योंकि अगर पानी रुक गया पानी गर्म हो गया तो ये क्रॉप चली जाती है पीएच क्या का हाँ। होना चाहिए जमीन का हाँ पीएच नॉर्मल होना चाहिए पीएच नियर अबाउट सेवन होना चाहिए आठ तक भी चल जाएगा साढ़े आठ भी चल जाएगा इसमें पी की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आपका जर्मिनेशन अच्छा नहीं हुआ तो प्लांट पॉपुलेशन आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे लेकिन हर तरह की सोयल में हो जाता है क्लाइमेट हाँ क्लाइमेट इसको हॉट एंड ड्राई चाहिए ह्यूमिड अच्छा। नहीं चाहिए अगर ज्यादा ह्यूमिड होता तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा लेता है अच्छा। और इसकी आ, अगर ज्यादा ड्राई रहेगा तभी ड्राई dry की ड्राइनेस की वजह से ही इसके ऊपर फ्लावर आते हैं नंबर ऑफ बर्ड्स बनते हैं अच्छा। और स्केयर ज्यादा लगते हैं जिसका हम बोल सकते हैं कि ड्राई इन्वायरमेंट में ही ज्यादा वो फ्लावर ओपनिंग होता है और सक्सेस रेट भी ड्राई इन्वायरमेंट में होता है और ये जो पूरा प्लॉट है ये अभी कितने महीने का प्लॉट है अभी क्या स्टेज पे है ये अप्रैल अट्ठाईस को बिजाई हुआ था और आज हमारा सितंबर लगभग बीस हो चुका है तो आप ये मान सकते हैं कि ये चार मंथ की क्रॉप हो और भी भी है। पे आ चुकी है हाँ ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग इसका स्टार्ट होने वाला है लेकिन क्या बताएं कि इस बार बारिश की वजह से और तो ऐसे है। हाँ जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई डैमेज यहाँ कोई होगा यही वाला देखो ये ये जो इसका बड़ है इसको फुट बोलते हैं हम पंजाबी में ये बारिश की वजह से खराब हो गया है हाँ, सेम ही है ये अर्ली में जो बॉल लगते हैं औड़ की वजह से ड्राइनेस की वजह से पानी की कमी से या बरसात की कमी से जब ये खिलता है तो ऐसा इसमें रेशा बनता है फाइबर बनता है तो इसमें सीड भी होते हैं और जिससे तेल निकलता है लेकिन अगर इस स्टेज पे जाके दो तीन का तीन दिन का लंबा बारिश चलता है तो ये पूरा सुगड़ जाता है और अच्छे से बाद में खेल नहीं पाता ऐसे हो जाता है हाँ इसमें वेट भी लॉस होता है ये खिला हुआ है ये।, ये पूरा नेचुरली खिला हुआ है इसको हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे अब? हाँ ऐसे करेंगे बस बस हो तो गया हाँ वो ही ऐसे ही रहेगा ऐसे कलेक्शन रहेगा फर्स्ट कलेक्शन होगा सेकंड कलेक्शन होगा थर्ड कलेक्शन थर्ड कलेक्शन बस अक्टूबर एंड या नवंबर के मिड में तक हो जाता है और कितने महीने की टोटल क्रॉप होती है मई से टोटल क्रॉप तो ये जितना लंबा खींचो आप खींच सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आप इसको छह महीने से ऊपर भी लेके जा सकते हो सात महीने की भी चली जाती है तो दोस्तों अभी हमने थोड़ा सा कॉटन में शूट किया तो काफी धूप होने के वजह से हम छाव में थोड़ा सा आ गए तो कंटिन्यू करते हैं तो बताइए मुझे कि कॉटन में कौन कौन सी वराइटीज है कौन सी बेस्ट है हाँ वराइटीज एरिया के हिसाब से ज्यादा सूट करनी चाहिए क्योंकि आपके एरिया में कौन सा नाम है हाँ, मेरे एरिया में ज्यादातर राशि की वरायटी लगती है यूएस की वरायटी लगती है बेयर की वरायटी लगती है या काफी और वरायटी भी लगती है जो काफी ज्यादा उत्पादन दे पाती है लेकिन हर एक वरायटी का एक करेक्टर रहता है कि उसको अर्ली फ्रूटिंग आता है या लेट फ्रूटिंग आता है वो हाइट कितना देती है उसका बॉल कितना बड़ा है उसको जो चुगाई करने वाले बंदे हैं लेबर है उसको कितना अच्छा लगता है वो तो किसी का तीन सिकरी है चार सिकरी है पाँच सिकरी है तो किसी का चुगने में काफ़ी ज़्यादा सूखा सूखा रहता है आदमी तो वो वाली वरायटी चूज़ करता है फार्मर उसी हिसाब से वैसे सोइंग टाइम डिसाइड करता है कि वरायटी कौन सी लगानी चाहिए क्योंकि जो वरायटी कम हाइट करती हैं कम अपना पेड़ बनाती हैं तो वो लेट लगती हैं अगर उसको अर्ली को लगा दिया तो वो फिर उसकी जो फ्रूटिंग है उसकी फ्लावरिंग स्टेज है वो बारिश में आ जाती है और वो पूरी तहसनेस हो जाती है फिर तो उसको फार्मर नहीं चूज़ करता तो कॉटन का सोइंग कैसे करते हैं नर्सरी लगाते हैं या बीज लगाते हैं कौन से तारीख को लगाते हैं हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका है क्योंकि तो अगर आपकी सोइंग अर्ली में हो रही है तो नॉर्मल जैसे हम ड्रिल से सो करते हैं इसकी हाँ लाइनिंग में सोइंग की जाती है मैनुअली भी करते हैं कई लोग हुँ. पहले काफ़ी एरिया में मैनुअली होता था हुँ. लेकिन अब मशीनी ऐसा हो चुका है कि वो काफ़ी एडजस्टेबल है उसका सीड रेट आप जितना चाहे उतना डाल सकते हो लेकिन यहाँ लेट बिजाई होती है वहाँ खालियों के ऊपर खड्डों के ऊपर बेड्स के ऊपर इसकी बिजाई होती है उसमें भी, भी दो तीन तरीके हाँ इसमें जितने भी सोइंग के अच्छे तरीके हैं या मैनुअली करना है या आप बेड्स के ऊपर करना है जहाँ इसको आपने ड्रिल के द्वारा करना है तो उसके जितने भी मैथड है क्या क्या उसमें यूज करना चाहिए कैसे फर्टिकेशन है वो पूरा मैंने बुक में उसको एलेबरेट करने की कोशिश की है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें स्टार्टिंग में सीड रेट आपको ज्यादा ही रखना पड़ता है क्योंकि कॉटन एक ऐसी क्रॉप है कि अगर आपने एक बार क्रॉप लगा दी किसी की किसी भी वजह से बारिश की वजह से नेचुरल डिजास्टर हो जाता है कोई या कोई ओलावृष्टि हो जाती है या कोई प्लांट आपके चूहे वगैरह खा जाते हैं कोई जानवर खा जाता है या आपका प्लांट सूख के बिल्ट की वजह से खत्म हो जाता है तो आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते तो एक एकड़ में कितना बीज लगाना पड़ता है हाँ एक एकड़ में लगभग ढाई से तीन पैकेट चलते हैं यहाँ पे अर्ली में दो पैकेट में कितने किलो होता है एक एकड़ में साढ़े चार सौ ग्राम होता है चार सौ पचास ग्राम अभी क्या है इसमें चार सौ सत्तर ग्राम के पैकेट आ रहे हैं जिसमें बीटी और नॉन बी दोनों मिक्स कर दिया गया पहले अलग, अलग अलग आते थे लेकिन फार्मर क्या है कि सिर्फ बी को बुजाई करता था जो नॉन बी साइड में एक गुथली के रूप में आता था वो नहीं बिजाई करता लेकिन अभी पिछले आ, दो साल से सी आई सी आर ने इनको स्ट्रिक्टली आदेश दिए जो भी सीड कंपनियां हैं प्राइवेट जो हाइब्रिड सीड तैयार करती हैं बी टू और उनको बोल दिया गया है कि आप जितना भी नॉन मिट्टी दे रहे थे पहले वो इसमें रैंडमली मिक्स कर दो आप इसको अलग से मत दो क्योंकि फार्मर उसको निकाल के फेंक देते दे थे लेकिन उसी उसकी वजह से क्या दिक्कत हुई कि फार्मर ये मानते हैं कि सीड रेट बढ़ गया ठीक है

इसके ऊपर लगती थी नॉन के ऊपर लगती थी। इसको ऐसे साथ में लगाया जाता है कि अगर कहीं इसके पतंगे अंडे देंगे तो वो कॉटन के ऊपर ही देंगे कॉटन की स्मेल को देख के वो पतंगे अंडे देते हैं और जब इस अंडो से बच्चे निकलेंगे तो बीटी को खाएंगे तो मर जाएंगे नॉन बीटी को खाएंगे तो वो अच्छा करेंगे। बीटी ऐसा है बीटी डेवलप हाँ। किया है कि बीटी को खाएंगे तो मर जाएंगे हाँ। इसीलिए इन्होंने इन्होंने जो इन, जो बीटी जीन ही ऐसा है कि एक नेचुरल जीन निकाल के इन्होंने डाला हुआ था कि बीटी के ऊपर खुद का एक करेक्टर था कि अगर ये ये वाले जो पैसा तंग कर रहे हैं जो ज्यादा मात्रा में आते हैं ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करवा करनी पड़ती है फार्मर को वो नहीं आएंगे लेकिन अभी ये पूरा टोटली फंडा खत्म हो गया अब कोई भी इंसेक्टिस में देखा जा सकता है क्योंकि पहले उनको ऐसा लगता था उनका मानना था सी आई सी आर का कि इसमें जो नॉन बीटी मिक्स करते हैं जहां हम नॉन बीटी को खेत की चावरों और मेड के ऊपर लगाते हैं तो जो भी अंडे पतंगे अंडे देंगे उससे बच्चे निकलेंगे वो जब बीटी को खाएंगे मर जाएंगे लेकिन वो नॉन बीटी के ऊपर सर्वाइव करेंगे और उसके पतंगों में ऐसा एक संचालन एक विवरण सर्कल बन जाएगा कि वो नॉन बीटी को ढूंढ के उसके ऊपर अंडे देंगे और अपना सर्कल चालू रखेंगे और क्रॉप को डैमेज नहीं करेंगे और क्रॉप का जो पांच दस परसेंट एरिया जो नॉन बीटी का है उसमें वो अपना खेल तमाशा करेंगे लेकिन अभी क्या हो चुका है कि फार्मर पिछले दो तीन चार चार साल से उसको नहीं लगा रहे थे अब मिक्स होकर आने लगा है पूरी क्रॉप में वो मिक्स होता है रैंडमली सीड आपको प्लांट देख के नहीं पता चलेगा कि कौन सा बीटी है कौन सा नॉन बीटी है लेकिन अभी जो इल्लियों का खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आप इसको ये मान सकते हैं कि ये ये सीड की जो पावर थी वो खत्म हो चुकी है या इस सीड को अभी मॉडिफाई करने की जरूरत है hmm. कि इसमें पहले कोई भी सुडी नहीं देखी जाती थी hmm. कोई इली नहीं दिखती थी hmm. लेकिन अभी पिछले तीन साल से जैसे आपके महाराष्ट्र में एमपी hmm. में गुजरात में छत्तीसगढ़ में तमिलनाडु में के बहुत ज़्यादा कॉटन डैमेज हुआ वो इतनी ज़्यादा मात्रा में आए कि कुछ एरिया में तो उन्होंने पूरी सौ की सौ को परसेंट फसल तबाह करके रख दी है इतना ज़्यादा डर किसी फंगस से या किसी विल्ट या किसी डिसऑर्डर से नहीं लगता इतना इलियों से लग रहा है क्योंकि इलियों को आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा पमक्कड़ या कौन सा प्यूपा आपके खेत में एक्टिव है और कौन से अंडे वहाँ पे दे गया है कौन से लार्वे वहाँ से निकलेंगे कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो अगर आपका रेंडम कोई शेड्यूल जा रहा है पंद्रह दिन में एक बार स्प्रे उसी में आप एन के दे रहे हो कोई इंसेक्टिसाइड दे रहे हो सकिंग पेस्ट के लिए तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इससे हटा लिया कि भाई इसमें कोई इली के या इसके सुंडी में पिंक बलवरम या किसी और बलवरम के आ, अंडे हो सकते हैं या एक्टिव हो सकती है तो आप उसका शेड्यूल थोड़ा सा भी आपने अलग से काम कर लिया तो जहाँ करना ही भूल गए तो हो सकता तो है जहाँ पे पानी रुकता नहीं है जहाँ प्लांट डेवेलप नहीं होते है तो वहाँ छब्बीस बाय दो फुट की दूरी पे इसको लगाया जाता है लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी सॉइल होती है जिसका वाटर होल्डिंग 26 बाय 2 फुट मतलब छब्बीस इंच छब्बीस अच्छा, बाई दो फुट छब्बीस बाई चौबीस बोल सकते हैं आप छब्बीस बाई चौबीस के अंतर अगर के आपका, आपका बहुत अच्छा सोयल है जहाँ रेड सॉयल बोलते हैं रेड क्ले सॉयल बोलते हैं जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है आयरन रिच सॉयल है जिसको हम फोर्टिफाइड सॉयल या हेल्थी सॉइल बोलते हैं उसमें कोई ज़्यादा ज़्यादा सल्फर और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी नहीं है जिसमें प्लांट अच्छे से पहले तीस चालीस दिन सरवाइव कर सकता है और बारिश की वजह से अर्ली ग्रोथ कर लेता है तो वहाँ पे उसकी डिस्टेंस ज़्यादा रखनी पड़ती है बहुत से फार्मर साठ इंच रखते हैं लेकिन मेरे एरिया में फार्मर उसको बयालीस बाय

मतलब तीन में से दो हटाने पड़ेंगे तीन में से एक दो हटाना पड़ेगा तो उसी हिसाब से आपके खेत में रोशनी बढ़ती है ओके okay. आपके खेत में एयर सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके प्लांट मतलब ओवरऑल सिमेट्रिक होंगे और जितना आप फ्रूट लेना चाहते हैं उनसे वो आने की उनमें क्षमता बढ़ जाएगी और फ्रूट गलेगा नहीं okay. फ्रूट खराब नहीं होगा फ्रूट नीचे नहीं गिरेगा और वाटर मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए कॉटन में हाँ वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें क्योंकि वाटर मैनेजमेंट ऐसा है कि अगर शुरुआत में आपने वाटर मैनेजमेंट में थोड़ा सा भी गलत काम कर दिया तो आपका फर्टिगेशन अच्छे से काम नहीं करेगा पहले खेत को पानी देना है दिया हाँ Next. अगर आपका बहुत ज्यादा अर्ली बिजाई हो रहा है तो आप डबल डबल दो बार पानी दीजिए उसमें दो बार बारिगेशन हाँ, प्लाद हाँ, हाँ उसमें क्या है कि जो खेत में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी नीचे तक पानी चला जाएगा अगर जब आप उसको खेत को तैयारी करके जुताई करके बिजाई करोगे तो थोड़ा सा तो वो आपके पास जो टाइम बचा हुआ तो वो टाइम भी लेट चला जाएगा और जो खेत में मेन है कि स्टार्टिंग में रूट ग्रोथ होना है वो ज़्यादा बढ़िया होगा और पहला पानी जो लेट लगेगा फसल के ऊपर वो ज़्यादा बढ़िया है कि उसकी ग्रोथ के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पाएगा वो बाकी बारिश के पानी के ऊपर आ जाएगा हाँ बारिश के बाहर है कि पहली बार एक बार जर्मिनेशन हो जाए जो भी मिड मई तक बजाई हो जाती है जर्मिनेशन हो जाती है किसी भी खेत में जो सरसों का खेत है गेहूं का खेत है चने का खेत है कोई भी और फसल आलू का खेत है कोई भी खेत है जब मूंग का खेत है तो उस खेत में अगर हम मिड मई तक जर्मिनेशन ले, ले लेते हैं तो वो एक ही है उसके बाद जून में बारिश स्टार्ट हो जाती है जून में नहीं होगी तो जुलाई में बारिश स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट इरीगेशन फर्स्ट और सेकेंड इरीगेशन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड इरीगेशन में सही टाइम पर फ्रूटिंग आ, 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 आपको सही टाइम पर पानी नहीं दिया तो उसकी आ, ड्राइनेस की वजह से इसका एक करैक्टर है कॉटन का अगर, अगर ड्राइनेस ज़्यादा होगी तो फ्रूटिंग लेना शुरू कर देता है तुरंत तो इसके कोई एज पर कोई एज नहीं है फ्रूटिंग की आप इसको 50 दिन में फ्रूटिंग आ सकती है 70 दिन में भी आ सकती है 90 दिन में भी आ सकती है अगर कोई कंडीशन ही ऐसी बन चुकी है जहाँ कोई एरिए में कोई बारिश का या क्लाइमेट का ऐसा सर्कल बन चुका है कि यहाँ आपका इरीगेशन भी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और क्लाइमेट में बारिश हर दस दिन में एक बार होती रहती है तो ये फ्रूटिंग बहुत लेट लेके जाता है तो इसको ड्राइनेस चाहिए ब्रूटिंग के लिए लेकिन अगर फर्स्ट दो इरिगेशन जो आपको पहले सत्तर दिन में देने जरूरी होते हैं तो वो इसकी रूट ग्रोथ के लिए और ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत आधे अच्छे माने जाते हैं और इसमें फर्टिलाइजर और डिसीज में क्या क्या देखना पड़ता है हाँ फर्टिलाइज़र में अपना सॉइल टेस्ट बेस से क्योंकि मेरे एरिया में पोटास और सल्फ़र जितना मेरे को चाहिए उससे तीन गुना है तो मैं दोनों ही सोर्सेज नहीं देता हूँ और दोनों ही सोर्सेज इस क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि सल्फर से ऑयल सीड से ऑयल बनता है और जो पोटास है उससे पूरा फाइबर प्रोडक्शन होता है और पूरा बॉल का साइज वगैरह बनता है बॉल का इनिशियली प्रोसेस भी उसी से वजह से होता है प्लांट की इम्यूनिटी भी दोनों कंपोनेंट से ही बनती है लेकिन किसी फार्मर के खेत में अगर इनकी कमी है तो उनको बेसल डोज में ही पूरा करना चाहिए बेसल तो डोज सर... में हमें लगाने से पहले देना चाहिए। हाँ मैं एक इसमें पॉइंट आपका ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी फार्मर ना अब क्या है कि हमारा एक खेती का एक सर्कल बन चुका है कि हम आ, बहुत से फार्मर ऐसे हैं जो पुराने तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हैं और वो अपने आड़ती या दुकानदार के ऊपर डिपेंड होते हैं कि हमने भाई इसमें पोटास डालना है कौन सा डालें क्योंकि अभी जिस खेत में पोटाश है ही नहीं है उसमें पोटाश का बैक्टीरिया डालते जा रहे हैं लोग। जिंक, है नहीं है, जिंक का डालते जा रहे हैं लोग या उसमें कोई और काफी आते वो डालते जा रहे अगर आपके खेत में बेसिक एनपी की कमी है या माइक्रोवेट की कमी है और आप कुछ भी डालते जाओ वो काम नहीं करेगा सही है क्योंकि हर खेत फसल में एनपी के मेंटेन रखना है और खेत के हिसाब से रखना बिल्कुल और हमें यहाँ पे डिसीज में देखा जाए आप देखो अगर चार अभी एक चार मंथ की क्रॉप हो गई है मेरी अब फर्स्ट लैक्टेशन इसकी स्टार्ट होने वाली है फर्स्ट चुगाई इसकी स्टार्ट होने वाली है तो अब तक इसका हर वीकली न्यूट्रिशन हो रहा है ठीक है ऊपर से हाँ बेसल से भी हो रहा है स्प्रे में भी हो रहा है लगभग पचास दिन से इसका न्यूट्रिशन फोलियर में शुरू हो जाता है जब जा इसके लगभग दस पंद्रह पत्ते शुरू हो जाते हैं तो उसमें हम फासफोस्ट देते हैं डी या यूरिया देते हैं या पोटाश पोटाश के वाटर सोल सोर्सेस देते हैं या माइक्रो न्यूट्रेन देते हैं तो अगर उसमें गैप चला जाता है तो प्लांट अर्ली मच्योर हो जाता है और ड्राइनेस की वजह से वो अर्ली फ्रूट ले फ्रूट लेता है फ्रूट मेच्योर ज़्यादा नहीं होता और उसका गिरने का चांसेस भी होता है अगर सही टाइम पे फ्रूट नहीं आता इसमें फ्रूटिंग स्टेज बहुत ज़्यादा मेन है अगर फर्स्ट फ्रूटिंग जो इसकी प्राइमरी फ्रूटिंग है वो फर्स्ट स्टेज ही है अगर वो पक गया तो सेकंड फ्रूटिंग अपन ना भी आए तो भी आपका अच्छा प्रोडक्शन आने वाला है कॉटन में ये मैंने देखा है कि सकिंग पेस्ट बहुत परेशान करता है हाँ, उसके अलावा हाँ। भी विल्ट है ये कई सारे रोग है तो सबका तो क्या रोल है मतलब क्या यो इंसेक्ट मैनेजमेंट है वो तो जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि काफी फार्मर ऐसे हैं कि बहुत से तो पैसे कम लगा के खुश होते हैं बहुत से उनको ट्रेंगल का कोई पता नहीं होता कि कौन से ट्रेंगल की स्प्रे करनी है इससे 500 लग रहा है इससे साढ़े पाँच सौ लग रहा है तो अगर हमको पेस्ट की आइडेंटिफिकेशन हो जाए उसका ई पता चल जाए तो फिर हमको ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती नहीं है पेस्टिसाइड की क्योंकि मैंने बुक में भी इसके ऊपर खुल के बातचीत की है कि हम अपने घर से अपने अगल बगल से हम काफ़ी पत्ते ऐसे इकट्ठे करके उसका स्प्रे तैयार कर सकते हैं जिसमें इंसेक्ट रिपेलेंट का भी काम होता है और इंसेक्ट की ग्रोथ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और आप जहाँ तीन स्प्रे आपके सकिंग पेस्ट के होने या थ्रिप्स का होना है वाइट फ्लाई का होना या ग्रीन एफ्र का होना तो आप उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हो उससे ज़्यादा जरूरी जो है कि ई लेवल बढ़ने नहीं देना क्योंकि इससे इस इसमें इस मैं सेकंड पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि बहुत से पेस्टिसाइड ऐसे हैं जो आपको क्विक रिजल्ट देते हैं और क्विक भी क्रॉप को क्रॉप के ऊपर भी डैमेजनेस दिखाते हैं उसका मतलब दोनों हाथ में एक में फायदा दूसरे में नुकसान तो शो कर देते हैं तो वो वाले पेस्टिसाइड से बचना चाहिए क्योंकि कुछ गैस वेस्ड होते हैं और ये समर के सीजन की गर्मी के सीजन की क्रॉप है तो अगर गैस वेस्ड इंसेक्टीसाइड यूज करेंगे तो काफी ज्यादा हमारा जो फ्रूट है वो उससे गिरने के चांसेस है और बाद में लीफ रेडनिंग हो जाती है पत्ते गिरने स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट मुरझा जाता है पत्ते सूखने स्टार्ट हो जाते हैं और प्लांट में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है जो लगा हुआ फ्रूट है वो भी गिरना स्टार्ट हो जाता है जब अर्ली मिच्योर होकर खिड़ना स्टार्ट हो जाता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है ये सकिंग पेस्ट के अलावा इसमें फंगस भी है तो वो कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं देखो जो फंगस पत्तों के ऊपर है या बी एल बी बनता है बैक्टीरिया से रोग फैलते हैं जो हवा में एक्टिव हो जाते हैं ज़्यादा ह्यूमिडिटी है बढ़ने से टेम्परेचर के साथ में वो लगभग हर एरिया में आते हैं कॉटन रेगुलर क्रॉप है क्योंकि ये बैक्टीरिया इन वृक्षों के ऊपर घा फूस जहाँ भी हमारा नदियाँ नाले हैं वहाँ पे ये पलते रहते हैं पनपते रहते हैं जब इनको लाइवल इन्वायरमेंट मिलता है क्लाइमेट उस हिसाब से इनको जो चाहिए वो बन जाता है तब ये एक्टिव हो जाते हैं और घंटों में ये आप फैल जाते, जाते, जाते हैं अपनी फसल में तो मैं तो फार्मर को इजीली ये वीडियो में शॉर्ट वीडियो में बुक्स में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपकी हैवी रेन हो उससे पहले अगर कोई स्प्रे जा रहा है और उसके बाद कोई स्प्रे जा रहा है तो उसमें कोई भी आप केमिकल बायो का जो भी आप देना चाहो बैक्टीरिया साइड दे सकते हो तो हाँ, क्योंकि कंट्रोल होने वाला है अगर आपने तो, अगर ज्यादा देर कर दी तो ये घंटों में आपकी फसल तबाह करके चला जाता है और कोई इसमें रिकवरी की ऑप्शन ही है नहीं है अच्छा। रिकवरी कर ही नहीं सकते आप और भी सही हाँ अगर दूसरी बात अगर फंगस की बात की जाए तो फंगस इजिली मेंटेन नहीं होती है फंगस दे, देखा जाता है कि सोयल में कितना ज्यादा एक्टिव है और आपके खेत में आ, फसल के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव पा उड़ा रही है वो तो आपको अपने खेत में जजमेंट रखना चाहिए और खेत में जो भी फसल चल रहा है अगर कॉटन तीन साल से ज्यादा हो गया है तो आपको थोड़ा सीरियस रहना चाहिए इसको रेड जोन मानना चाहिए और तीन साल के बाद अगर आप कॉटन ना लगाए तो ज्यादा बढ़िया होगा मतलब गैप गैप देना देना चाहिए देना चाहिए आपके हिसाब क्योंकि शुरुआत में जब आप फर्स्ट इरीगेशन करते हो ना या सेकंड इरीगेशन करते हो तो उस इरीगेशन में ही आपको थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन मिल जाता है की यहाँ प्लांट सूख रहे हैं बिल्टिंग आ रही है बिल्ट एक्टिव है आपका कितना एरिया है यहाँ मेरा सात एकड़ है जी सात एकड़ में मेरा नरमा लगा हुआ है लेकिन अभी क्या है कि इसमें तीन तरह की लैंड है और पूरी लैंड में मैं देख रहा हूँ खेती करते हैं लीज के में खेती करते हैं तो वो बहुत ज्यादा डेंजर जोन है अच्छा थोड़ा रोक लो पकड़िए मेरा हाथ। नहीं 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 अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है और अभी जो ये आपका प्लॉट है पूरा हाँ जी इसमें कितना उत्पादन निकलता है हाँ पिछले चार साल का रिकॉर्ड है मेरा यहाँ दस से ऊपर जा रहा है दस क्वंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हाँ इसमें बारह क्वेंटल चौदह क्वंटल तक भी जाता है पिछली बार मेरा तेरह क्वेंटल आया इसी खेत में लेकिन इस बार ज़्यादा बारिश की वजह से और ज़्यादा पिंक बॉलवरम बॉल बॉल के अटैक से तो थोड़ा दिक्कत आया है देखो ये पिंक बॉलवरम बॉल बॉल ने इसको पूरा डैमेज कर दिया है हाँ इसको हम उखाड़ेंगे तो इसमें हमको पिंक बॉलवरम दिखाई देगी ही देगी हो सकता है उसमें पूरा काम करके बाहर भी निकल हाँ बाहर निकलगी ये देखो बैठा हुआ है नहीं नहीं बड़ी होगी अभी हो हाँ, तो हो सर्दी बढ़ने वाली है हाँ। रात की सर्दी पहले स्टार्ट होगी हो हाँ। जब रात की सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो इसके जो भी पतंगे हैं जो हवा में उड़ते हैं वो अंडे देने बंद कर देते हैं और ये अपने आप को खुद को मेचोर कर लेती है सोयल में रहेगी कहीं किसी सीड के अंदर हाँ पीपा अपने आप को सेव रखती है इसको जो भी आपकी नेचर में प्रोटीन सोर्सेज हैं जैसे कोई सीड हुआ या कोई ऐसा कोई मटेरियल जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है तो उसी में अपना ये भोजन लेती रहेगी और जब ये टेम्परेचर तेम, बढ़ना स्टार्ट होगा मार्च में या फेबर के एंड में तब ये अपने प्यूपा से एक पतंगा रिलीज करेगी और वही वो मेटिंग करके आगे अपनी स्टेज बढ़ाएंगे इसकी स्टेज लगभग तीन से लेके कर हफ्ते की होती है इसके ऊपर कोई दवा है कोई दवा नहीं है इसके ऊपर कोई, काम इसके, हाँ, इसके को कोई नहीं मार सकता अच्छा हाँ इसके पत्ते जब अंडे निकलते हैं छोटे लार्वा जो हाँ उसमें इंडोक्सकार भी काम करता है उसमें भी काम कर जाता है उसमें एसीफेट भी काम कर जाता है उसमें साइपर भी काम कर जाता है लेकिन तभी काम करता है जब इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टेज चल रही है अगर हम फूल को बचा लेंगे ये फूल का थोड़ा बताइए हाँ, हाँ, ये, ये हाँ इसको ये, हम सुकेर बोलते हैं ये, ये स्केयर मच्योर होना शुरू हो जाएगा बड़ा इसका व्हाइट पार्ट है इससे फ्लावर निकलेगा जैसे मैं आपको और दिखाऊँ इसमें देखो ये निकलने वाला है एक दो दिन में इससे फ्लावर निकलने वाला है यहाँ इसको अगर हीट यूनिट काउंट के ऊपर डिपेंड ही करता है अगर बारिश होती रहेगी जो ये नहीं निकलेगा अच्छा लगभग तीन से पाँच दिन तक ये वेट करता रहेगा जब हीट यूनिट काउंट इसका पूरा हो जाएगा तो ये फ्लावर ओपन होगा और इसके बीच में ही मेल फीमेल है ये खिला हुआ फार्मर ये फ्लावर है

इसका पानी की मात्रा बढ़ने से इसके साथ ये चिपक गया hmm. इसको हवा से ये गिर जाता हाँ, है गिर जाता है उसके बाद सीधा ये आखिरी स्टेज है

तेल रहता है ऑयल बोलते हैं। इसको ये भी एक ऑयल सीड है इसलिए कॉटन का रेट बढ़ रहा है कि ऑयल सीड सब महंगे हो चुके हैं सो इसलिए कॉटन का प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है कॉटन का रेट यहाँ एम एस भी एमएसपी की बात करें तो लगभग छह हजार के पास आस पास है सात हजार के आसपास प्रति क्विंटल चल रहा है लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट से भी जुड़ा हुआ एक फंडा है कि काफी नेचुरल डिजास्टर है जो कंट्री के क्रॉप को डैमेज कर देते हैं तो फिर अर्ली को उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है कि हमारे पास इतना स्टॉक है इतना हमको चाहिए तो जो रिच कंट्रीज़ है जिनके पास काफ़ी अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो बड़ी जो छोटी छोटी कंट्री के साथ बिजनेस करती हैं तो उनको पहले बोल देते हैं कि हमको तो ये वाली चीज़ इतनी चाहिए आपके पास है तो वो ईज़िली अवेलेबल आपको करवाना पड़ता है हमारे पंजाब हरियाणा राजस्थान में तो सीसीआई काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है यहाँ जब एम के नीचे कोई ख़रीद करता है तो उनके अड्डे बने हुए हैं सरकारी मंडियां बनी हुई हैं वहाँ पे फार्मर अपना ट्रॉली भर के कॉटन को लेके जाते हैं और वहाँ पे आपकी टेस्टिंग करवाते हैं मॉइस्चर की फाइबर हाँ फाइबर इसकी रेशे की लंबाई और मॉइस्चर की टेस्टिंग होती है जहाँ पे तीन ग्रेड कर लिए जाती है एबीसी जहाँ पे उन्होंने ए ग्रेड को हाईएस्ट प्राइस देना है सेकंड को उससे पांच हाँ थोड़ा कम देना है बीस पचास रुपए का मार्जिन कम देते हैं जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट की तहसील की मंडियां बनी हुई है वहां पे इसकी मार्केटिंग होती है और, और अगर सीसीआई खरीद करता है तो आपको लगभग ये पंद्रह दिन में पेमेंट कर देता है अगर कोई प्राइवेट खरीद करता है तो लगभग वो आठ दिन में आपको इसकी पेमेंट कर देता है ये काफी लंबे समय की फसल होने की इसमें लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा आ जाती है अगर हम खर्चे की बात करें क्योंकि सीड रेट भी काफी महंगे हैं इसके पूरे का पूरा सीड बिजनेस है वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दिया है सरकार को इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है सरकार का अपना कोई हाइब्रिड सीड नहीं आया अभी तक और के ऊपर अगर आई है दो तीन कॉटन कौ, कौ, के ऊपर सीड तो इतने ज्यादा वो लायबल नहीं है उनका यील्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं आता फार्मर उस पे खर्चा ज्यादा करना पड़ता है लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां सीड का सीड का, का काम करती हैं वो इसको काफी महंगे रेट में बेचती हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है लेबर का लगभग 25000 30000 एक कॉटन को एक एकड़ में ग्रो करने में हार्वेस्टिंग करने तक इसका खर्च हो जाता है अगर इसका लगभग आठ से दस क्विंटल एवरेज जील्ड भी मान लिया जाए लेकिन हाँ मेरा एवरेज जील्ड इस सात एकड़ में से लगभग बारह तेरह प्रति क्विंटल भी एकड़ के हिसाब से आया है लेकिन दिक्कत ये है कि सबका सेम नहीं आता और सब बार हर समय क्लाइमेट सेम नहीं रहता है हर टाइम आपका कुदरत साथ नहीं देती है हर टाइम क्रॉप एक समय एक समान नहीं होती है तो काफी ज्यादा खतरे इसमें बढ़ते रहते हैं और लगभग अब इस समय जो प्राइस चल रहा है अगर एम एस की बात करें छह हजार की तो अगर दस क्वल होता है साठ हजार और तीस हजार खर्चा तीस हजार इसकी बोल सकते हैं बोल सकते हैं लेकिन ये हर अलग अलग स्टेट का है अलग अलग लोगों का अलग सीन है महाराष्ट्र का अलग सीन है सब जगह अलग अलग सीन है है वो तो बात और एक चीज बताइए आपको क्या लगता है कॉटन के बारे में फ्यूचर कैसा है इसका स्कोप कैसा है आगे चल के भविष्य कैसा हो सकता है इसका भविष्य अभी तो धुंधला नजर आ रहा है जी इसका पूरा पूरा <laughs> खतरे में है है भविष्य व्हाइट गोल्ड 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 को ब्लैक ब्लैक हो हो सकता है। हाँ, गोल्ड नहीं ये तो रेयर जाएगा इसमें कुछ बचने वाला है ही नहीं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे खतरे है जैसे विल्ट का है विल्ट तो चलो अपने आपके खेत में आ जाएगा तो दस परसेंट पंद्रह परसेंट जील्ड इफेक्ट कर देगा अगर आपके खेत में सुडी आ गई थोड़ा सा भी आप लेट हो गए तो आपका आधा पचास परसेंट क्रॉप खराब कर दो रिस्क बहुत है रिस्क बहुत ज्यादा जी अगर एक इसमें रजिस्टिविटी क्रिएट कर गई वो आना शुरू हो गई तो पांच सुन्डिया और आ गई तब किस किस को कंट्रोल करोगे आप कर ही नहीं पाओगे ठीक है है मेन बात है कि इसकी चुगाई होती है वो लेबर से होती है अगर सुंडियों ने नरमे का जैसे देखो ये ये पहले ने खराब किया है और बाद में ये बारिश की वजह से खराब हुआ है इसकी रेशे की क्वालिटी चली गई है और जो हाँ जो चुगाई करने वाला लेबर है जो चुगाई करने वाला बंदाबंदी है वो इसको उसको पसंद नहीं करेगा वो भी प्राइस ज्यादा लेगा मतलब ओवरऑल फार्मर के ऊपर ही इसका ज़्यादा खर्चा बढ़ने वाला है और क्वालिटी और प्रोडक्शन कम होने वाली है तो दोस्तों ये तो आज का वीडियो था प्रगत भाई के साथ कॉटन के बारे में हमने वाइट गोल्ड के बारे में ढेर सारी जानकारी ली बहुत मज़ा आया बुक में जो लिखा था लेकिन लाइव में तो और मजा आया बुक मैंने पढ़ चुका हूँ तो दोस्तों ये जो बुक है आपके मन में और कुछ सवाल होंगे तो ये बुक पढ़ के आपके सवाल कंप्लीट हो जाएंगे ये पंजाबी में भी हिंदी में भी आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं व्हाट्सअप नंबर है या तो अमेजो से मंगा सकते हैं तो प्रगत भाई आपके कुछ विचार हो इस बुक के बारे में तो बता दीजिए हमारे फार्म मैं यही बताना चाहूँगा कि एक साइंटिस्ट की लैंग्वेज रहती है जहाँ वो अंकड़ों के ऊपर बातचीत करते हैं लेकिन यहाँ दलील के ऊपर बातचीत गई है जो काफ़ी फार्मर अपने पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस कर चुकते हैं कर चुके होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया जो है जो साइंटिस्ट के मानने हैं जो साइंटिस्ट जिसको जिसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है फार्मर जैसे हम लोग बातचीत करते हैं फार्मर फार्मर की लैंग्वेज समझता है उसी लैंग्वेज में इसको को लिखने की की मैंने कोशिश की है और नंबर आप से इसको पूरी इंडिया में कहीं भी मंगवा सकते हैं बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद आज दोस्तों को ढेर सारा शेयर कीजिए लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रगत भाई का भी चैनल है यूट्यूब पे क्रॉप इंफॉर्मेशन उसको जरूर कीजिएगा